क्या ये मीरा भाईंदर से शुरुआत हो रही है जैसा कि सर्वसर दिखा, और आप लोगों का इसमें इनिशिएटिव क्या है? इसमें हमें ऐसे लगा कि मीरा भाईंदर से हमें शुरू करते हैं, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि मीरा भाईंदर में जैसे बहुत सारे दिनों से यहाँ पे कुछ रेड होती रहती है, कुछ हमें ड्रग्स मिलते हैं, और इसमें दो बातें हो सकती है। एक तो कानून की तौर पे से हम कार्रवाई तो करते रहते हैं, दूसरा है कि इसमें सोसाइटी में अवेयरनेस होना बहुत ही ज़रूरी है। हम तो कानूनी कार्रवाई करेंगे, लीगली सब एक्शन होगी, लेकिन मुझे लगता है कि पूरे सोसाइटी में अगर बड़े पैमाने पर हम अगर इसको फैला दे कि अवेयरनेस अगर ज़्यादा कर दे, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा माहौल बनेगा, ये फैमिली तक जाएगा, क्योंकि इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स है ड्रग्स के बहुत ही डेंजर तरीके से इसके साइड इफ़ेक्ट्स है। मैं तो उसमें ये कहूँगा, जब आप तंबाकू लो या फिर कुछ उसमें ये आएगा, ड्रग्स वगैरह आएंगे, अल्कोहल ये भी आएगा उसमें, तो मुझे लगता है कि इससे बहुत आगे चल के बहुत भारी पैमाने पर नुकसान होता है। जो यंग जनरेशन है उसमें कुछ बच्चे भी उसमें शामिल हो जाते हैं, तो उनका एक उसमें वर्कआउट जो अलग तरीके से चलता है, बड़े पैमाने पे सोसाइटी में इसका बहुत ही अलग वहाँ पे मैसेज जाता है। अपनी खुद की वहाँ पे बॉडी ख़राब होती है, अपने फैमिली की लाइफ वहाँ पे पूरी ख़राब हो जाती है, तो मुझे लगता है कि अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। मैन टू मैन अवेयरनेस हम करने की कोशिश करेंगे, और मुझे लगता है कि हमारे सब ऑफिसर इसमें शामिल रहेंगे। मैं सर थोड़ा सा पीछे जाऊंगा कि कुछ दिनों पहले आपके ऑफिसर्स बाकायदा मतलब एंटी ड्रग्स के अगेंस्ट पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मैंने एक इन्फॉर्मेशन आई थी कि 2 किलो जो चरस जो है वो पकड़ा गया था करीबन 10 लाख रुपए का, एक भारी मात्रा में। तो मुझे लगता है कि आप कार्रवाई के साथ साथ आप ये भी चाह रहे हो कि लोगों में एक अवेयरनेस भी हो, और यही हमारी उम्मीद है। जैसे आपने कहा कि हमारे यहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स ने जो अच्छा कामगिरी किया है, तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छी तरीके से वहाँ पे हमने ये शुरू किया है, और हम ग्राउंड लेवल पे जा रहे हैं, जहाँ पे कहीं छोटी मात्रा में भी वहाँ अगर ड्रग मिलता है, वो लिंक जो है वो भी हम तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक अच्छा माहौल बनाने की हम कोशिश अच्छी तरह से करेंगे, और मेरे पूरे ऑफिसर्स और यहाँ के जो काम करते हैं कर्मचारी सब इसमें शामिल रहेंगे, और हम इसको आगे तक ले जाएंगे। मुझे लगता है कि एक अच्छा माहौल बने, और लोग आगे आके भी हमें इन्फॉर्मेशन दे, और कुछ अगर इसमें रिहैबिलिटेशन भी हो सकता है तो वो भी हम उसमें करेंगे। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस नाइस इनिशिएटिव। आई द सिटीजन ऑफ मीरा भाईंदर, आई द सिटीजन ऑफ मीरा भाईंदर, इन प्रेजेंस ऑफ ऑल पुलिस ऑफिसर्स, ऑल पुलिस ऑफिसर्स एंड ऑनरेबल एसपी, एंड ऑनरेबल एसपी, प्लेज दैट, प्लेज दैट वी विल स्टे अवे फ्रॉम ड्रग्स, and will not, and will not move in that direction, move in that direction anyway, anyway, anytime in our life, and we commit, and we commit with a statement, with a statement of drug free, of drug free Mira Bhayander city, Mira Bhayander city drug free, drug free Mira Bhayander city, Mira Bhayander city. Jai Hind, Jai Hind, Bharat Mata ki Jai, Bharat Mata ki Jai. So this essence must be there in you all, so that hamara ye wada hai har nashe se dur rehne ka, ye hamara wada hai har nashe se dur rehne ka, ye hamara wada hai har nashe se dur rehne ka, ye hamara wada hai har nashe se।